नमस्ते, मैं डॉक्टर अनीशा गुप्ता हूँ। मैं एक आई स्पेशलिस्ट हूँ। आज मैं आपको आंख की दो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊंगी कि उन दोनों में फर्क क्या होता है, सफेद मोतियाबिंद और काला मोतियाबिंद, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट्स, बहुत सारे लोग इन दोनों को एक ही बीमारी की वेरिएशन समझते हैं। सबसे पहले तो नाम ही अलग है। एक का नाम सफेद मोतियाबिंद, जिसको हम एक्चुअली कैटरक्ट कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, और दूसरा काला मोतियाबिंद, जो ग्लॉकोमा होता है। कारण, जो सफेद मोतियाबिंद क्यों बनता है, इट्स एन एजिंग प्रोसेस, जिसमें आंख के अंदर जो लेंस होता है उस लेंस में सफेदी बन जाती है, उसे हम सफेद मोतियाबिंद या कैटरक्ट कहते हैं। काला मोतियाबिंद एक अलग बीमारी है, जिसे हम ग्लॉकोमा कहते हैं, जिसमें बेसिकली आंख का प्रेशर बढ़ रहा है। आंख का एक बॉल है, उसका एक प्रेशर होता है, एक नॉर्मल प्रेशर होता है हर एक की आई बॉल का। अगर वो प्रेशर अप जा रहा है तो वो आंख की नस को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसी तकलीफ को हम काला मोतियाबिंद कहते हैं। तीसरा फर्क है सिम्टम्स। सिम्टम्स मतलब आपको क्या महसूस होगा। काला मोतियाबिंद के सिम्टम्स अनफॉर्चुनेटली बहुत लिमिटेड होते हैं, क्योंकि काला मोतियाबिंद बीच की रोशनी को बहुत लेट अफेक्ट करता है। पहले वो आपकी साइड विजन, या जिसको हम फील्ड कहते हैं, उसको अफेक्ट करता है। अगर फील्ड को ज्यादा अफेक्ट करेगा तो बहुत कॉमनली पेशेंट रात को अंधेरे में स्टंबल करते हैं, टकराते हैं चीजों से, या उनको नाइट ड्राइविंग में दिक्कत होती है, साइड से आती गाड़ी नजर नहीं आती है। लेकिन सेंट्रल विजन बहुत बहुत समय तक, एंड तक भी लोगों की 6/6 लगभग पूरी रह सकती है, और आते आते कालापन एकदम से ही फिर जीरो हो जाता है। बहुत लोगों को काला मोतियाबिंद में कुछ ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं जिसमें आप जो लाइट होती है, लाइट के अराउंड रेनबो सर्कल्स दिखाई देते हैं। तो कभी भी आपको ऐसे हेलोज या सर्कल्स दिखाई दें, किसी बत्ती के सामने उसको इग्नोर नहीं करें, आपको काला मोतियाबिंद हो सकता है। काला मोतियाबिंद में बहुत हाई प्रेशर में सर दर्द और आंखों में लाली होना भी कॉमन है। अब बात करते हैं सफेद मोतियाबिंद की, कैटरक्ट की। उसके सिम्टम सबसे कॉमन सिर्फ धुंधलापन है। सबसे पहले आपको दिखाई देना कम होगा, आपका माइनस नंबर बढ़ सकता है, आपको रात की ड्राइविंग में दिक्कत हो सकती है। ग्लेयर इज अ वेरी कॉमन सिम्टम इन कैटरक्ट। तो अगर आप देखें तो दोनों बीमारियों के सिम्टम बहुत ही अलग है। इलाज, कैटरक्ट का इलाज सिंपल है। कैटरक्ट ऑपरेशन करते हैं, जो लेंस सफेद पड़ गया उसको निकाल कर नया लेंस डालते हैं। जबकि काला मोतियाबिंद आगे फर्दर दो तरह का होता है। मोस्ट केसेस आर कंट्रोल्ड बाय मेडिकेशन। जैसे हम बीपी की दवाई लेते हैं, ऐसे ही आंख का प्रेशर बढ़ने के लिए हम आई ड्रॉप्स लेते हैं, और वो जिंदगी भर डालनी पड़ती है। कुछ तरह के काला मोतियाबिंद होते हैं जिनमें ऑपरेशन की नीड पड़ती है। ये वो लोग हैं जिनको दवाइयों से फर्क नहीं आ रहा है, या दवाइयां टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, या दवाइयों के बावजूद तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। रोशनी, ऑपरेशन के बाद जो रोशनी और रिकवरी है, काला मोतियाबिंद में अगर आपका पर्दा ठीक है, सर्जरी ठीक हुई है, तो आपकी रोशनी लगभग से पूरी ही आएगी। जबकि काला मोतियाबिंद में हम जो भी इलाज करते हैं वो उसको प्रोग्रेस करने के से रोकने के लिए करते हैं। जो बीमारी लग चुकी है आंख में, जो नुकसान हो चुका है, जो फील्ड लॉस या रोशनी कम हो चुकी है, उसको वापस लाना मुश्किल होता है उसमें। लेकिन अगर इलाज नहीं करेंगे तो रोशनी पूरी की पूरी भी जा सकती है। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो पेशेंट्स पूछते हैं, क्या सफेद मोतियाबिंद काले में कन्वर्ट हो सकता है? जी हाँ, रेयरली ऐसा होता है। अगर सफेद मोतियाबिंद बहुत ज्यादा पक जाए तो उसकी वजह से, लेंस फूलने की वजह से आंख में प्रेशर बनता है, जिसको हम सेकेंडरी ग्लॉकोमा या काला मोतियाबिंद कहते हैं। ये नॉर्मल जो ग्लॉकोमा काला मोतियाबिंद होता है उससे अलग होता है। इसका इलाज भी सफेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही होता है, क्योंकि लेंस ही प्रेशर बढ़ा रहा है। हम वो लेंस निकाल देते हैं, नया लेंस फिट करते हैं, तो प्रेशर जनरली नॉर्मल आ जाते हैं। तो अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये बिल्कुल अलग बीमारियां हैं, इनमें कंफ्यूज मत होइए।